Okay, तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो आज फाइनली कुछ हैपनिंग होने जा रहा है, ठीक है। काफी टाइम से, इट्स बीन कपल ऑफ डेज की मैं इस टॉपिक को लेके बहुत बात करता आया हूँ, ठीक है। कई लोगों के लिए अनोइंग भी हो जाता था, ठीक है। आई नो, कन्फ्यूज इतना था कि एक टाइम पे मेरा डिसीजन बन जाता था कि मैं बाइक निकाल दूँ, ठीक है। फिर ये होता था कि यार रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली रॉयल एनफील्ड है तो मन कर ही जाता है ना उसी वे में कि नहीं यार बेचनी नहीं, नहीं है, ठीक है। फिर करते करते एक दो दिन का गैप पड़ जाता था और फिर साला दिमाग में ये आता था कि निकाल देता हूँ। जिस टाइम पे मैंने मतलब ये चैनल स्टार्ट करा था, राइट, तो उस टाइम मैंने ये चीज़ें सोची थी कि जो मतलब जो चीज़ें मैंने एक्चुअल में सोच के रखी थी ना कि ये चीज़ कवर करूँगा, ऐसे यहाँ पे जाऊँगा, ये वाली जगह है, ठीक है, इतनी लंबी राइड होगी, वो चीज़ें एक्चुअल में नहीं हो पा रही थी। एंड उसके पीछे एक ही रीज़न था, एंड दैट वॉज माय बाइक, ठीक है। और एक मेरा उस बाइक को लेके यहाँ से अपने मेंटली मैं प्रिपेयर्ड नहीं था अपनी बाइक को लेके, ठीक है। तो अगर व्हाट इफ मैं निकल भी जाता अपनी बाइक को लेके, लाइक आई यूज़ टू ओन, जिन लोगों को नहीं पता, आई यूज़ टू ओन अ क्लासिक 350, ठीक है। और क्लासिक 350 को बेच के जिस बाइक का मेरा अभी डिसीजन बना है, ठीक है, द बाइक आई एम गोइंग टू परचेज टूडे, ठीक है, उस बाइक के ऊपर मेरा डिसीजन क्यों बना, कैसे बना, ठीक है, और कुछ प्रैक्टिकल वे में चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा कि मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने ऑल ऑफ अ सडन इस चीज़ पे मैंने डिसीजन बना लिया, नहीं, ठीक है। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते आए हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं काफ़ी टाइम से इसी टॉपिक के ऊपर बीच में मतलब कोई भी टॉपिक पे अगर बात कर रहा हूँ ना, मैं घूम फिर के इस टॉपिक पे आ ही जाता था। तो डेफिनेटली उन काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैं उस बाइक को लेके क्या दिक्कत फेस कर रहा था। ऐसे कोई मैकेनिकल इशू नहीं था, बहुत स्मूथ बाइक थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। जस्ट द थिंग इज कि मैं कंफर्टेबल नहीं था। मैं अगर लॉन्ग राइड पे लेके निकल भी जाता, व्हाट इफ मैं रास्ते में मेरे को कोई दिक्कत होती, ठीक है, नॉट इन सम अदर वे, बट मैं जैसे राइड करता था तो मेरे को एक तो बैक पेन उस पर होनी शुरू हो जाती थी, सिटिंग पोस्चर की मेरी दिक्कत होती थी, दूसरा वाइब्रेशंस की वजह से मेरे हाथ पूरे नम हो जाते थे। ओके, तो यू गाइस स्टे ट्यून्ड, अभी जो भी पेपर वर्क होगा वो थोड़ा बहुत करके, ठीक है, बाइक पैक करके फिर दिखाता हूँ आप लोगों को, और जिन भी पॉइंट्स की मैं बात कर रहा था फिर उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो लाइक जरूर कर देना। अभी यहाँ से जाऊँगा पापा को पिक करने के लिए, उनके साथ स्कूटी भी जाऊँगा आगे बाइक उठाने के लिए। तो लो जी, मैं स्विच कर चुका हूँ फाइनली बजाज अवेंजर 220 क्रूज पे। एंड टू दोज हु डोंट नो, ये एक यूज्ड बाइक है और जस्ट 3200 किलोमीटर्स चली हुई थी, बहुत क्लीन कंडीशन में थी ये। एक दो चीज़ें हैं करवाने वाली, पहले तो वो करवाते हैं, वापिस जाके मिलता हूँ आपको सीधा। ये पहले ग्रे कलर में थे, अभी जैसे इस पर स्प्रे करके इसको ब्लैक करा, सूखने के लिए वेट कर रहा है बस। Thank you.
ओके तो फाइनली बाइक तो उठा ली हमने और यार ये कैमरा बंद हो गया बस। अभी एक बार मेरे को ये व्यू चेक करना है कि क्या आ रहा है, ठीक है। अगर तो सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ चेंज करना पड़ा तो वाइड एंगल से मेरे को अल्ट्रा वाइड पे जाना पड़ेगा। तो वापस एक बार घर पहुंच जाऊं फिर जाके चेक करता हूं कि एग्जैक्टली क्या व्यू मिल रहा है यहां से। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर बाइक की बात करूं तो देर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट मतलब यार ये हालत है इनकी। तो लाइक आई सेड देर आर कपल ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू कम्फर्ट। वैसे लाइक आई सेड कि कोई मैकेनिकल इशू नहीं है, कोई एज सच दिक्कत नहीं थी, तो कुछ कम्फर्ट के रिलेटेड चीज़ें हैं और राइड के रिलेटेड, तो जिनकी वजह से मैंने ये डिसीज़न लिया। और स्पेशली मैंने इसी बाइक का क्यों डिसीज़न लिया वो भी मैं बताऊँगा आप लोगों को। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दैट आई मेड दिस डिसीज़न ऑल ऑफ अ सडन। काफ़ी मेरे को टाइम लगा इस चीज़ के ऊपर डिसीज़न बनाने में और काफ़ी लोगों को मैंने अप्रोच करा जो ओन करते थे ये बाइक को, ठीक है। तो उसके बाद ही मैं इस डिसीज़न पे पहुंचा, ये बाइक लेने पे मैंने डिसीज़न बनाया। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है राइट, अगर कोई क्लासिक 350 चला रहा है, रॉयल एनफील्ड चला रहा है, उसके बाद 350 से 220 पे आना और 220 सीसी है ये, एंड सिटिंग पोस्चर और सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है उस चीज़ से, रॉयल एनफील्ड से। तो अच्छी तरह एक बार यहाँ से फ्री हो जाऊँ मैं, मैंने क्यों डिसीज़न लिया, कैसे लिया, और जो भी वो पॉइंट्स थे मैं ज़रूर बात करूँगा उन चीज़ों के बारे में। और अभी फ़िलहाल के लिए एक काम था बीच में, पहले वो निपटा के सीधा घर ही निकलूँगा। आई होप कि यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू जो आप लोगों को मिल रहा है वो सही मिल रहा होगा। अगर इन केस अगर मेरे को ज़रूरत पड़ती है ये वाइज़र हटाने की, ठीक है, विंडशील्ड हटाने की, तो देखते हैं। पहले उसी पे ही डिपेंड करता है कि वीडियो में क्या दिख रहा है। एक बार वापस चले जाऊं घर फिर ये चीज़ें डिसाइड कर पाऊंगा कि इसको रखना है या निकालना है। और बाइक बहुत सही है, मतलब स्मूथ बहुत है यार। ओके तो राइट नाउ मैं हूँ दशहरा ग्राउंड के पास। आए स्पीड ब्रेकर इतने होने चाहिए यार, कई बार वो इतने इतने बड़े बड़े बना देते हैं, साला गाड़ी भी नीचे टच हो जाती है। बार वो स्पीड ब्रेकर नहीं है, वो कार ब्रेकर है, साला गाड़ी तोड़ते हैं वो नीचे से। तो अभी जो काम था वो था प्रॉपर्टी टैक्स का, एक बार वो पता करना है और फिर फ्री हूँ मैं। उसके बाद ये वाला व्लॉग अभी ऑलमोस्ट एडिट हो चुका है, पहले वाला पार्ट एडिट हो चुका है, अभी ये वाली वीडियो जस्ट उसमें मर्ज करनी है और उसके बाद डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा। रेंज रोवर क्या बात है, ठीक है। ओके तो मैं अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स का एक बार पता कर लूँ और फिर इसके बाद बाकी चीज़ें देखते हैं। ये फ्लैशर्स मैंने करवाए थे तो फ्लैशर्स भी सही लग रहा है, क्योंकि हाईवे पे जब होते हैं ना तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये फ्लैशर्स थे, उसके बाद ये वाली लाइट थी, ठीक है। ये दूसरी वाली बाइक पे ऑलरेडी लगा हुआ था तो मैंने उतार के ये खुद ही माउंट कर दिया इस पर। एंड बाकी थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं लगेज के लिए, और यहाँ पे मेरे को एक पहले मैं सोच रहा था कि टैंक बैग लूँ, बट ये जो लुक है मेरे को अच्छी लग रही है तो मैं इसको हाइड नहीं करना चाहता हूँ। तो बिकॉज ऑफ विच आई जस्ट थॉट ऑफ गोइंग फॉर वो माउंट होता है ना, वाटर प्रूफ पाउच आता है, तो वो यहाँ पर इतना लग जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेविगेशन के लिए यहाँ पर सेट हो जाएगा वो। तो बाइक अभी मैंने जितनी ड्राइव करी है ना उसके हिसाब से तो मेरे को बहुत सही लग रही है, ठीक है। और इसकी मतलब कंफ्यूजन सिर्फ एक है, चाबी यहाँ पे लगती है इसकी,
ठीक है। दूसरा लॉक तो खैर रॉयल इनफील्ड वाला सेम ही हिसाब है इसका। और एक मेरे पास ये सैमसंग टैग पड़ा हुआ था, ये इसमें डाल दिया मैंने। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं कुछ करवाने वाली, वो देखता हूँ। बाकी ऐसा अच्छा कुछ ज़्यादा मतलब भरूंगा नहीं इसको मैं। और लगेज के लिए ना मैंने पहले सोचा था कि जो बॉक्स आते हैं ना, सैडल बॉक्स, इसी के स्टड्स कंपनी के आता है, ठीक है। तो मैंने वही सोचे थे पहले कि वो लगवा लूँगा, एक बार देखता हूँ। बट मैं कुछ ज़्यादा उसका फ़ैन नहीं हूँ, मतलब सैडल बॉक्सेस। तो एक बार मैं टेल बैग के लिए सोचूंगा, ठीक है। चलो जी, काम और थोड़ा सा बढ़ गया। अभी जाना है मेरे को पापा के ऑफिस, वहाँ से वापस फिर यहाँ पे आऊँगा। ओ यार, अभी ना एक ही काम खराब हुआ, बाकी टच वोट सब कुछ सही चल रहा है। एक ना इसकी बैटरी ड्रेन हो गई, पूरी जीरो पे है। और अगर थोड़ी बहुत भी होती तो एटलीस्ट ये भी चेक हो जाता, इसका भी व्यू चेक कर लेता मैं कि क्या व्यू मिल रहा है। पहले मैंने लेग गार्ड के साथ इसको माउंट करा था, तो वहाँ पे व्यू बिल्कुल बेकार आ रहा है। और सिर्फ मतलब थोड़ा बहुत यूज़फुल हो रहा है बीच में से पार्ट, बाकी ना 360 का कुछ फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे और ना सिंगल लेंस का। तो मैंने वापस से यहीं पे माउंट कर दिया इसको, जैसे क्लासिक में रखा हुआ था। तो रश ही नहीं बिल्कुल भी, शाम को ही होता है, इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है यार। अभी आ तो गया ही हूँ, तो एक बार इसकी सैडल बॉक्सेस का पता करूँ। ये सामने शॉप पे पता करने में क्या जाता है, एक बार देख ही लेता हूँ पता करके। तो अभी सीन क्या है कि सिंगल साइड तो उनके पास अवेलेबल है, और जो भैया होते हैं यहाँ पे जिनसे मैं डील करता हूँ वो अभी आउट ऑफ स्टेशन है, शाम तक पहुँचेंगे। तो एक बार शाम को चक्कर मारता हूँ, क्योंकि एक साइड का उनके पास अवेलेबल है अभी, ठीक है। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो वो वही भैया ही बताएंगे। कोई नहीं, कोई लगा लंगो कोई। तो अभी सीधा वहीं पे वापस जाना है, प्रॉपर्टी टैक्स पे करके फिर घर निकलूंगा मैं, क्योंकि तो अभी पैसे नहीं पड़े हुए थे। इसकी जो सीट है ना वो प्रॉपर वाइड है, ठीक है। और जो इसका सिटिंग पोस्चर है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई सोफे पे बैठा हूँ और सामने मूवी चल रही है। बस अभी कोई राइड करते हैं प्लान और फिर निकलते हैं, फिर ही पता चलेगा इसका जो एक्चुअल मज़ा है ना बाइक का, वहीं पे पता चलेगा। ज़्यादा नहीं, एक आध दिन में कर भी लूँगा प्लान मैं। और जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि डिसाइडेड है, और होपफुली जल्दी निकल जाऊँगा मैं। ओके, तो भाई साहब ये तो 1 बजे तक होता है और अभी बोल रहे हैं कि चालान बनाने शुरू कर दिए, तो कल आना, तो कल वापस आना पड़ेगा यहाँ पे। बना पाती भी हूँ ओके। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना,
और आगे जो भी राइड होगी उसके बारे में अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। ओके, तो इसके बाद सिनेमैटिक ज़रूर देखना बाइक के।